ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश भर के बैंक कर्मी 30 एवं 31 मई 2018 को हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव पीटी फ्रैंको के मुताबिक बीते सोमवार को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद बैंक कर्मियों के पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महानाडू सम्मेलन के आखिरी दिन एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने मोदी सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से ही क्षेत्रीय दल साथ आने पर मजबूर हुए। उन्होंने भावी मोर्चे पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसे चलाने वाला लीडर महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा न देकर दक्षिण भारत में घुसने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया। वहीं नायडू ने सवाल उठाया कि अगर केंद्र आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने में मदद नहीं करता तो राज्य को केंद्र को टैक्स क्यों देना चाहिए। जेडीएस और कांग्रेस के बीच विवाद की जड़ माने जाने वाले वित्त मंत्रालय कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के पास रहने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस ने जेडीएस की मांग को स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीएस की जीत के पीछे कुमार स्वामी के पिता एस डी देवगौड़ा का चतुराई भरा मार्गदर्शन था। एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले कुमार स्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके पिता कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के सहयोगी कांग्रेस और जेडीएस के बीच कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों के आवंटन को लेकर असमंजस दूर हो जाएगा और वे जल्द ही अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दो दलों की गठबंधन सरकार है, हमने उन जेडीएस के लिए 12 और अपने कांग्रेस के लिए 22 मंत्रालय का फैसला दिया है। चीनी अधिकारियों ने आखिरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते गए भारतीय श्रद्धालुओं को पवित्र झील में डुबकी लगाने की इजाजत दे दी है। मंगलवार को इजाजत मिलने के बाद श्रद्धालुओं के दल ने मानसरोवर झील में तय स्थान पर डुबकी लगाई। बता दें कि इससे पहले सोमवार को चीनी अधिकारियों ने वहां पहुंचे भारतीय यात्रियों के जत्थे को मानसरोवर झील में डुबकी नहीं लगाने दी थी। इसके लिए चीनी अधिकारियों ने बहुत ज्यादा सर्द मौसम होने का तर्क दिया था। चीनी अधिकारियों का कहना था कि पिछले सप्ताह झील में डुबकी लगाने से सर्दी के कारण दिल्ली के तीर्थयात्री रोशन लाल गोयल की मौत हो गई थी। श्रद्धालुओं ने इसकी शिकायत ट्विटर के जरिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की थी। इसके बाद मंगलवार को इन श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने की इजाजत मिल गई।